क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बच्चों के अंदर होने वाला एक बहुत ही कॉमन जन्म दोष है। मैं डॉक्टर सीमा मित्तल, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, शेल्बी हॉस्पिटल इंदौर से हूँ और आज हम क्लेफ्ट लिप और पैलेट के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। यह एक जन्मजात बीमारी है जो कि बच्चा जब पैदा होता है तब पाई जाती है। इसके अंदर बच्चे जब पैदा होता है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। कटा हुआ होंठ बहुत छोटा भी हो सकता है जो कि सिर्फ होंठ पे रह सकता है, और ये गंभीर भी हो जाता है जब अगर ये नाक को भी इन्वॉल्व कर ले, मसूड़ों को भी इन्वॉल्व कर ले और तालू को भी इन्वॉल्व कर ले। यह भी एक जन्मजात बीमारी है। इसके अंदर बच्चे का जो तलुआ होता है, जो पैलेट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो कटा हुआ होता है और उससे बच्चे को बोलने में और दूध पीने में तकलीफ होती है। ये दोनों समस्याएं ज़्यादातर आनुवंशिक होती हैं। जिनके माता पिता को ये बीमारी होती है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट, उन बच्चों में भी इनका होने की संभावना ज़्यादा होती है। और गर्भावस्था के दौरान अगर गर्भवती महिला शराब पिए या सिगरेट पिए तो उनके अंदर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तब उसके चेहरे में असमानता पाई जाती है। क्लेफ्ट लिप, कटा होंठ आप जब बच्चे को देखते हैं तो सामने ही दिखता है। कटा तालू होने की वजह से और कटा लिप होने की वजह से बच्चे के अंदर स्तनपान करने में तकलीफ आती है। बच्चा या तो सक ही नहीं कर पाता है जब वो कटा हुआ होंठ होता है तो, और कटे हुए तालू की वजह से अगर वो सक भी कर लेता है तो नाक से दूध बाहर आ जाता है। तो ऐसे स्थिति में बच्चे की फीडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, बच्चे की आवाज़, या तो आवाज़ साफ़ नहीं होती, बच्चा तुतला के बोलता है, उसमें नेज़ल ट्वेंग होती है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना जनरल में कि वो नाक से बोलता है, वैसे नाक से बोलने की समस्या होती है। बच्चे को बार बार कानों में संक्रमण होने की संभावना रहती है, क्योंकि जब क्लेफ्ट लिप और पैलेट होता है तो बच्चे को रिकरेंट गले में तकलीफ और उससे कानों में संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्लेफ्ट लिप पैलेट वाले बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको मानसिक परेशानियां, तनाव डेवलप हो जाता है और बच्चे सामाजिक, अपने समाज में भी उठने बैठने में, खेलने कूदने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ये विकृतियाँ 90% तक ठीक हो जाती हैं। समटाइम अगर क्लेफ्ट लिप छोटा है तो 100% बच्चा नॉर्मल भी हो जाता है। एक छोटा सा स्कार आता है, इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की जाती है। क्लेफ्ट लिप की सर्जरी बच्चा जब 1 महीने से 4 महीने के बीच में यूजली करते हैं, ताकि उसको सक करने में और बोलने में तकलीफ ना हो। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी 6 से 18 महीने के बीच में की जाती है और जब तक कि बच्चा बोलना सीखे उसके पहले कर दी जाती है। बाकी जो इनसे जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जैसे कि कभी दांत बराबर नहीं होते हैं, मसूड़ों में इस रिक्त स्थान होता है, इन सब बीमारियों के लिए हम इनकी ऑपरेशन, जब बच्चा दो वर्ष का हो जाता है से किशोरावस्था तक, इसमें जितनी डिफॉर्मिटीज़ होती है कि नेज़ल डिफॉर्मिटी है, कि उसका दांत नहीं बराबर है, इन सब के लिए हम ऑपरेशन कर सकते हैं।